Hi guys, welcome to my channel. My name is Priya Dogra and I'm back again with another video. आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ IIT गांधीनगर की तरफ से एक नई अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए. सो हुआ क्या है, एक नई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र की गई है. चाहे आप IIT पे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर आपको स्टाइफन काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं. सो मैं आपको यही बोलूँगी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ जाके फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह की वीडियोज़ की डिटेल मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेकर आती हूँ, जहाँ पे हम फ्री कोर्स सर्टिफिकेशन, जॉब, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है उसे डिस्कस करते हैं. चलते हैं उस प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी. सो ये PDF का लिंक मैं आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगी, सो आप चाहें तो वहाँ पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. वैसे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे. सो IIT गांधीनगर की तरफ से आपके लिए इंटर्नशिप पोजीशंस निकाली गई हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं उनके साथ. इंटर्नशिप पोजीशंस इन इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी फैसिलिटी. सो ये पूरे प्रोग्राम का नाम रखा गया है ISTF. ये पूरा इनके पास जो है एक फैसिलिटी है जिसके अंडर स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है IITs के साथ काम करने का. एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सो अगर आपने BTech कम्प्लीट किया है कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग के साथ या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. बट आपकी मिनिमम CGPA यहाँ पे होनी चाहिए 6.5 की या 65%, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं. मास्टर्स अगर आपने की है, सो मास्टर आपको MCA आपके पास होनी चाहिए 6.5 CGPA के साथ. BTech अगर आपने बाकी ब्रांचेस से की है, बट अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ़ पोजिशंस बहुत ही लिमिटेड निकाली गई है, 4 यहाँ पर इनको इंटर्न्स रिक्वायर्ड है. तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पास अच्छा मौका है, 4 पोजीशंस भी हैं, बट आप उनमें से बन सकते हैं इंटर्न जो कि IIT के साथ काम करेगा. जितनी जल्दी हो सके बस उतनी जल्दी अप्लाई कर दीजिए. बाकी अगर नेचर बताया जाए इंटर्नशिप का किस तरह से रहेगा, तो मेनली आपका काम जो होगा रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स या नेटवर्क से रिलेटेड ही काम आपको यहाँ पर अलॉट किया जाएगा. पहले सिखाया भी जाएगा, फिर आपको पे भी किया जाएगा. ड्यूरेशन की बात की जाए, सो यहाँ पे आपकी इनिशियल इंटर्नशिप की ड्यूरेशन जो है वो 6 months रखी गई है. बाकी डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो हो सकता है कि आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे एक्सटेंड कर दी जाए. स्टाइफन की बात की जाए, सो स्टाइफन यहाँ पे 28,000 पर मंथ आपको अलॉट किया जाने वाला है, स्पेशली यहाँ पे लिखा गया है. इसके अलावा अगर आपको और कोई रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं इनको, तो आपको हॉस्टल फ़ीस और मेस फीस भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो चार्जेस भी आपके इसी के अंदर इंक्लूड कर दिए जाएंगे. इसके बाद बात करते हैं किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं. सो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है. अप्लीकेशन प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे. सो सिलेक्शन यहाँ पर मेनली आपकी डिपेंड करती है आपकी एप्लीकेशन पर, किस तरह से आपने फिल आउट की है. एप्लीकेशन अगर आपने अच्छे से भरी है, उसके बाद आपके पास एक रिटन टेस्ट हो सकता है, और रिटन टेस्ट के बाद आपके पास आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. हो सकता है वो ऑनलाइन हो सकता है वो ऑफलाइन हो. बाकी की सारी डिटेल्स आपकी Gmail ID पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. सो अब बात करते हैं कि हमने किस तरह से अप्लाई करना है. अप्लाई करने के लिए फॉर्म आपके पास आ जाएगा, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ड्रॉप कर दूंगी. सो एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे क्या क्या डिटेल्स पूछी जा रही है, आपकी Email ID पूछा जा रहा है, आपसे फुल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी करंट पोस्टल एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है आपका, आपने कौन से पर्टिकुलर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की है, कौन से ईयर में की है, और आपका क्या डिपार्टमेंट था, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होगी. कितना CGPA आपका रहा है, इनकेस अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है, सो कौन से कॉलेज से की है, कौन से पर्टिकुलर ईयर पर, कितने परसेंटेज के साथ, वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा. इसे नीचे आपको डोमेन्स ऑफ इंटरेस्ट बताने हैं कि आपको कौन से पर्टिकुलर डोमेन्स में इंटरेस्ट है. हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में है, नेटवर्क सिस्टम्स में है, या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में. इन चारों टॉपिक्स पे ही आपको इंटर्नशिप मिल सकती है. इसके अलावा आपको बताना है कि क्या आपके रीजंस हैं इस इंटर्नशिप पोजीशन के लिए अप्लाई करने पे. सो वो आप अच्छे से एलैबोरेट करके लिखिए, बिकॉज यही एप्लीकेशन प्रोसेस है जो कि आपको नेक्स्ट सेकेंड राउंड तक लेके जाएगा. लास्ट में आपको अपना रेज्यूमे अटैच करना होगा. सो मेक श्योर आप अपना रेज्यूमे भी अच्छे से बनाएं, बिकॉज यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको सिलेक्शन यहाँ पे करवा सकते हैं आपकी इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए.
सो ये रहे इस पूरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं. और इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.